हेलो, देखिए फ्रेंड्स, ये वही नहर है जो कि रुड़की की सबसे बीच शहर से बहने वाली जो नहर है, और ये वही है। और देखिए, ये नहर को सूख दिया जाता है दिवाली के आसपास, और इसको सूखने के बाद इसमें पानी वहाँ से बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद देखिए ये कुछ नज़ारा इस तरह दिखाई देता है। और ये बिल्कुल जू बीच की तरह बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से आप यकीन नहीं कर सकते, यहाँ पर आकर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमें भी कभी यकीन नहीं होता कि हम नहर के इतने बीचों बीच, और देखिए किस तरह से यहाँ पर रेत को टच करके देख ही जा सकती है। देखिए, बीच समुद्र, बिल्कुल समुद्र का बीच यहाँ पर बन गया है, और यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और देखिए, आप यहाँ पर कहाँ से आए हुए हैं बताइए आप यहाँ से। ये देखिए, तो बताएंगे आप कहाँ से आए हुए हैं? हम यहीं रुड़की में रहते हैं, हम रोज मॉर्निंग वॉक करने यहाँ आते हैं, साइकिलिंग करने यहाँ आते हैं। अरे वाह, आपको यहाँ कैसा लग रहा है इस समय? आपको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं करता हमारा तो। अरे वाह, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। और ये रुड़की की जो नहर है, ये वही नहर है जो जिसमें इतना पानी कंटिन्यू बहता रहता है। देखिए, और आज ये पानी को रोक दिया गया है सफाई की वजह से। तो आपको ये जो मैं व्यू दिखा रही हूँ, ये कुछ इसी तरह से है। और कभी यकीन भी नहीं किया था मैंने कि मैं यहाँ पर आकर वीडियो शूट करूँगी, और इस बात का मैं धन्यवाद देती हूँ गंगा माँ को जिन्होंने ये मुझे मौका दिया। देखिए, और ये सिल्ट कितनी सारी यहाँ से गंगा की यहाँ पर सिल्ट आई हुई है। ये देखिए, काफ़ी सारी मछलियाँ होंगी, और जो भी इसमें क्रिएचर्स होंगे वो सारे इसमें पानी के बहाव के साथ बह गए हैं।